कलेक्टर के आदेश की वक्फ के नाम पर उड़ी धज्जियां। जमीन को छेड़ने की किसी के बाप में हिम्मत नहीं। सरकार के बाप की जमीन नहीं है, वक्फ है तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। वक्फ के नाम पर इस देश में कैसी गुंडागर्दी चल रही है उसे अगर समझना है तो मुंबई से आई एक वीडियो देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। जमीन पर काम कर रहे ठेकेदार का कहना है कि जमीन सरकारी है और वहां खड़े मुसलमानों का कहना है कि वक्फ की जमीन है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं, इस जमीन को हाथ लगा दे। नौकरी चली जाएगी तुम्हारी, यहाँ स्टे है, बब प्रॉपर्टी है ये, वो क्यों बन पड़ा है सामने हमारा बंदरा गुजरा है यहाँ पर। ये बताओ आपके पास ऑर्डर है ना, ये गवर्नमेंट वाला, इसको पहले खाओ। अरे मैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कौन है? देवीदास साहब है? नहीं नहीं, मैं शरद हूँ। शरद भाई, आपके पास ऑर्डर कॉपी बताइए, वर्क ऑर्डर कॉपी बताइए, बता दे प्लस प्लान बताइए। लाइए लाइए साहब, लाओ। किसने दिया परमिशन? इस पे कलेक्टर का, इस पे ये है। क्या है कलेक्टर साहब? आज सब पेपर में। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी के अंदर किसी का माइक लाल में हिम्मत नहीं है? कॉलेज ने परमिशन दिया? परमिशन दिया, फंडिंग भी स्कूल का ये है सब। जा भाई लेके आ पहला मिशन। कोई तो एक जन मिसेज यादव, मिसेज यादव है, मिसेज यादव है इधर जो फंडिंग दिया आपको? होगी मिसेज यादव का है आउट ऑफ बॉम्बे। अरे तो इधर ही लाके बताओ ना जगह पर। शरद भाई ये कैसा काम कर रहे हो दादा? इजाजत किसने दी आपको ये सब करने की? गवर्नमेंट ने दी। अरे तो गवर्नमेंट के बाप की जगह है क्या? स्पेस्टे है, 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 है हमारे बाप की, हमारे पुरखों की जगह है। दिया क्या परमिशन? मैंने क्या प्रॉपर्टी है? कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको कि जवाब करो काम, तुमको मालूम है? ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर है। बफ कोई ऑफिसर हाथ नहीं लगा सकता इसके ऊपर। मालूम है कि इसके ऊपर स्टे है, मालूम है? नहीं है, पब्लिक का तुम्हारे को है ना बहुत। चल मेरे साथ में, मैं तुम्हारे को बताता हूँ वहाँ पे सोशल काम करना। यहाँ पे क्यों, ये ओपन प्लेस के ऊपर क्यों कर रहे हो? बब प्रॉपर्टी पे क्यों कर रहे हो? ये हमारे पुरखों की जगह है, बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑफिसर आया है कोई? कौन है? क्या नाम? डिप्टी के ऑफिसर है ना? क्या नाम है उनका? बुला उसको, बुला हाथ दिखाने लाइए, हाथ दिखाने लाइए इसको, इधर बुलाओ ना उनको। नौकर है ना? अरे पब्लिक के नौकर है वो, इधर बुलाओ ना उनको। कौन बोलता है? तुम लोग काम करो, हमारे पैसे की पगड़ ले रहे हो, तुम उधर बिठा रहे हो। आप काम बंद करो, काम बंद करो, बंद काम करो और कोर्ट से बात करो। नहीं होना चाहिए, आप काम बंद करो और कोर्ट से बात करो। चालू हो रही है, प्रिंसिपल गई भाड़ में, वो हमारी पगार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सब। एक बात ध्यान दे लो, ये काम नहीं बंद करेगा ना तो कम से कम यहाँ 10,000 की पब्लिक आएगी, फिर उसको फेस करना। कल रात में आके महाराष्ट्र के जितने हमारे सभा के जाना चाहिए, परमिशन होता तो तुम अभी क्या करा के दिखाते? साइड में चलो, ये नहीं बोलते, ये मुंबई का ना पुराना कोर्ट है, साइड में चलो, परमिशन कर दो अभी। साइड में करके बात की जगह है क्या ये? 16 साल से कोर्ट में मैटर है। ये जगह किसकी है? ये हमारे पुरखों की जगह है, समझ गए? कलेक्टर के बाप की जगह नहीं है। पहली बात तो ये चौकी में बुलाओ, पहले इसको सील कराओ, ऑर्डर ऑर्डर है उसके पास। भाई वायरलेस पे बात जगह है, बफ है, बफ है ये। और ये कॉन्ट्रेक्टर है, इसको उसको देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। शरद बोरेले साहब, आपको कुछ भी किधर पे भी घुस जाने का, मैं तुम्हारे घर में घुसूंगा तो अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट के वर्क ऑर्डर देखा? अरे भाई गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर कैसे मिल सकता है यार? बब प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे मिल सकता है जरा आप मुझे ये बताइए। बहुत दिन से साजिश चल रही है और तुम उसके साथ में आ रहे हो साजिश में। एक बात आप बताइए, गवर्नमेंट कैसे दे सकती है बब प्रॉपर्टी के ऊपर ऑर्डर? ये सब घोटालेबाजी है आप लोगों का। बंद कराओ, कौन है वो? क्या नाम है? पीए का नाम क्या? उनको बुलाओ ना, कौन है वो? बोलो ना, गवर्नमेंट कोई बुलाओ उनको। कॉलेज का फंडिंग है, कॉलेज का पीए कल हमारे ग्रुप के साथ में था, उसने क्लियर किया कि हमने मना किया वाइकर साहब को, यहाँ पर एमएलए साहब को और कलेक्टर के लोगों को नहीं करना, ये दादागिरी से कर रहे, इनके अल्फाज थे। आप प्लीज काम रोको, यहाँ से सब गाड़ियाँ बाहर निकालो। नहीं गाड़ी मत निकालो, सील करो यहाँ पे। पुलिस कहाँ बताया मैंने? सील करो, सील करो, सील करो गाड़ी सब, सील करो। चौकी पुलिस बुला, 100 डायलर करो, डालते 100 मारो ना, 100 मारो, फोन कॉल करवाते हैं, बंद कर, 100 लगा फोन, चल। कांग्रेस ने वक्फ को जो असीमित शक्तियां दी हैं, ये सब उसी का नतीजा है और इन शक्तियों को कम करने के लिए मौजूदा सरकार लोकसभा में एक बिल लेकर भी आई, लेकिन वो फिलहाल तो ठंडे बस्ते में चला गया। अब देखना होगा वो बिल कब तक आता है और सरकार को नौकर बताने वालों पर कब तक लगाम लगती है, कब तक ये गुंडागर्दी
बंद होती है जो कांग्रेस ने अपने सत्ता के लालच के लिए, सत्ता के सुख के लिए शुरू की है।